अब कहा जा रहा है कि जल्द ही ज्योति भी अपना मुकदमा वापस ले सकती हैं। बता दें कि पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ले ली। जी हां, जांच कमेटी के सामने पेश हुए आलोक मौर्य ने लिखित रूप से शिकायत वापस लेने का अनुरोध किया। कमेटी के अध्यक्ष अपर आयुक्त प्रशासन अमृतलाल बिंद का कहना है कि उच्चाधिकारी के निर्देश पर ही कमेटी आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि ज्योति और उनके पति आलोक मौर्य के बीच गुपचुप समझौता हो गया है। संभव है कि जल्द ही ज्योति भी अपना मुकदमा वापस ले ले। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद क्या ज्योति मौर्य अपने पति के साथ वापस आ जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज्योति मौर्य अपने पति के साथ वापस आ जाएंगी और दोबारा से नई जिंदगी शुरू करेंगी। जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही है। आपको बताते चले, लगातार एसडीएम ज्योति मौर्य मुश्किलों में घिर गई थी और जिंदगी को मुश्किल बनाया हुआ था। सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य ने अपनी एसडीएम पत्नी पर भी सबसे ज्यादा गंभीर आरोप लगाए थे, वो थे भ्रष्टाचार के। आलोक मौर्य के मुताबिक, आपको बता दें, उनकी पत्नी ज्योति मौर्य ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और करोड़ों रुपए की कमाई की है। उनके खिलाफ केस कोर्ट में चल रहा था। दूसरी तरफ आलोक मौर्य ने जो उनके खिलाफ जहर उगला था, अब उसको वापस ले लिया है। कुछ दिन पहले ज्योति ने यह कबूल किया कि उनका रिश्ता सही से नहीं चल रहा है, वो मनीष के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं। ज्योति मौर्य ने कहा था कि जिंदगी शुरू करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने बताया था कि आलोक मौर्य के बीच काफी समय से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं और भविष्य भी उनका अच्छा नहीं है। लेकिन तब तक ज्योति मौर्य के लिए आसान नहीं था। अब क्या हुआ है? जी हाँ, आपको बताते चलें, आलोक मौर्य ने उनका केस वापस ले लिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ज्योति मौर्य दोबारा से आलोक मौर्य के साथ रहेंगी या वो मनीष दुबे के साथ अपनी फिर से नई जिंदगी की पारी शुरू करना चाहेंगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।